कैप्टन हैरी ब्रुक ऑन फायर, या कह सकते हैं कि हैरी ब्रुक ने शानदार शतक बनाया और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 46 रनों से हराया। और कमाल की बात यह है कि इंग्लैंड ने जो ऑस्ट्रेलिया का घमंड कह लीजिए कंगारुओं का, वो तोड़ा है। जो विजयी रथ था भाई, 14 मैचेस हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया हार नहीं रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने हरा दिया और बड़ी आसानी के साथ हरा दिया। हालांकि इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 304 रन बना दिए थे पहले बैटिंग करते हुए, 304, और उसके बावजूद भी ये टीम हार गई। हारी कैसे भाई? इंग्लैंड ने दमदार बल्लेबाजी की, खासकर कैप्टन हैरी ब्रुक ने भाई कमाल कर दिया और महफिल लूट ली। उन्होंने 100 बना दिया और ये जो 100 था ये मैच विनिंग नॉक साबित थी और नॉट आउट आई, अच्छी बात ये थी। लेकिन उनका जो साथ दिया वो विल जैक ने दिया, लियाम लिविंगस्टोन ने दिया, और इस मैच में भाई कंगारू कहते हैं ना बैकफुट पे नजर आए। और हालांकि DLS भी इस मैच में हमें देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तारीफ करनी चाहिए इंग्लैंड की टीम की, जिस तरीके से वो खेली है। इंग्लैंड ने शानदार खेल दिखाया, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी अच्छा काम करके दिखाया उन्होंने। और सवाल बड़ा यह है कि 304 रन बनाने के बाद भी कैसे हारा ऑस्ट्रेलिया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इंग्लैंड के लिए 305 रनों का जो टारगेट था वो आसान नहीं था, लेकिन हैरी ब्रुक और विल जैक ने अपनी बल्लेबाजी से बेहद आसान बना दिया। और विल जैक की बात करें तो उन्होंने 84 रन बनाए, लेकिन 110 रनों की जो पारी खेली हैरी ब्रुक ने 94 बॉल्स में, ये आउटस्टैंडिंग पारी थी। अगर आप यहां देखें भाई, हैरी ब्रुक ने चौके छक्कों की बारिश कर दी और ऐसा लग रहा था कि भाई हैरी ब्रुक ही खेल रहे हैं बस अकेले ही, जैसे वो बैटिंग कर रहे थे। मैदान के हर तरफ उन्होंने शॉट्स खेले और इसीलिए वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन हैरी ब्रुक की ये बैटिंग थी भाई, 13 चौके और 2 छक्के लगाए और 117.02 का स्ट्राइक रेट, अमेजिंग स्ट्राइक रेट था। 110 रन आउटस्टैंडिंग नॉक उनकी रही और 110 इन्होंने बनाए और विल जैक्स ने 84 बनाए और 33 लियाम लिविंगस्टोन ने नीचे से आकर बनाए। और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला हार गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर हार की बात करें तो भाई उनकी जो बैटिंग थी उसमें भी सवाल थे। स्टीव स्मिथ बहुत धीमा खेले, स्टीव स्मिथ ने रन ही नहीं बनाए उनके लिए। और इसके अलावा अगर देखें तो उन्होंने 60 रन जरूर बनाए लेकिन 82 गेंदों का सामना कर लिया। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन मिचेल मार्श ने 24 रन बनाने के लिए 38 गेंदें ले ली। मानस लाभूषण भी बिना कोई रन बनाए चलते बने। तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ ये थी, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने भी निराश किया है। चाहे मिचेल स्टार्क की बात करें, कैमरन ग्रीन की बात करें, और उन्होंने बहुत रन लुटाए हैं। लेकिन DLS भी इस मैच में आया, बारिश ने खेल बिगाड़ दिया था और जब बारिश के कारण खेल रोका गया तो उस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 37.4 ओवर में 4 विकेट पर 254 रन था, जो कि मेजबान इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन का रुख ले चुके थे। तो हालांकि इंग्लैंड के लिए कैप्टन हैरी ब्रुक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अगर बारिश खलल ना डालती और पूरे 40 ओवर का खेल होता तो कुछ भी परिणाम संभव था। लेकिन यहां पर DLS मेथड से भाई इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई तकरीबन बहुत दिनों के बाद ये हार उनको नसीब हुई है। और भाई इंग्लैंड की टीम ने शानदार खेल दिखाया, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी अच्छी की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो हार के कारण हैं वो जैसे मैंने आपको बताया, एक तो बॉलर्स ने वैसे रन लुटाए हैं और दूसरी चीज़ ये थी जो बैटिंग में भी, बैटिंग में सवाल है ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि स्टीव स्मिथ 82 बॉल में 60 रन बनाते हैं, मिचेल मार्श भी अच्छा नहीं बना पाते, मानस लाभूषण खाता भी नहीं खोल पाते। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की हार के ये कारण रह सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाया और खासकर कैप्टन हैरी ब्रुक ने कहते हैं ना चट्टान के जैसे खड़े रहे, वो अंगद के जैसे पांव जमाया रखा था पिच पर, और जिस तरीके की बैटिंग की उन्होंने इस मैच को बड़ी आसानी के साथ निकाल लिया। और 110 रन है, ये कॉन्फिडेंस जरूर देंगे इस टीम को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये जो करारी हार है इस पर कई सारे सवाल जरूर खड़े होंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।